गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज फिर से हाजिर हैं मैथ और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर जो आपके कहाँ कहाँ आएंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, आरआरबी का एग्ज़ाम हो, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, बिहार का दरोगा वाला एग्ज़ाम होने वाला वो एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का पीसीएस का एग्ज़ाम हो या एसएससी का या सीसेट, कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज कौन सा हम लोग का, 31 नंबर, क्या है इसमें देखिए कि निम्नलिखित अंकों के सेट का औसत बताइए। इसको औसत बताना है, एवरेज वाला क्वेश्चन है, तो आई तो आसान क्वेश्चन है। ये सबको कितना है, 1 2 3 4 5 6 को ऐड कर लीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा पहले जोड़ लीजिए। यानी सबसे आसान तरीका है, कोई ट्रिक नो ट्रिक, ये सब बेकार बकवास है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में जाइएगा तो कोई काम ना करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है एकदम सामान्य मेथड से, जो आसान हो, जो जिसमें हो कि एकदम बना लेंगे वही, ऐसा ना कि ट्रिक गया ट्रिक ही भूल गए तो कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सबको जोड़ लीजिए, जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपको 1704। अब आप 6 से भाग दे दीजिए तो ये आना चाहिए आपको, जैसे 6 है तो 6 दूनी 12, 5 बचा और 0 50 हो गया, तो 8 6 48, 2 4 24, यानी 6 2 24, 4 4 24 क्या होगा, 284 होगा इसका आंसर। आगे बढ़िए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ देंगे, मान लीजिए कि संख्या क्या है x, उसमें हम 21 जो जो कहे वो कीजिए, 21 जोड़ देंगे, चलिए हाँ, तो बराबर अब क्या हो जाएगा, वो अपनी तिगुनी संख्या, यानी तिगुनी क्या, 3x में से क्या, तो माइनस मतलब उससे 7 कम हो गया, तो संख्या बराबर क्या, तो इधर x है उधर 3x, चलिए x को उधर कर देते हैं, तो क्या होगा 2x बराबर, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 28, इसलिए x बराबर 14, जो कहे वही कीजिए, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइए, 14 आंसर। आगे बढ़िए, एक शहर की जनसंख्या कितना थी पहला, 1,76,400 था, जो प्रतिवर्ष 5 वर्ष की दर से बढ़ रही है, तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। अब बताइए कैसे बनेगा, सिंपल बात है, हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, 105 गुना 105, सिंपल जो साधारण ब्याज है उस दर से निकाल लीजिए, पहले यहाँ पर इतना लिख दीजिए, 1,76,400 गुना 105 बटा 100 हो गया, सॉरी नहीं हुआ, तो इसको आप काट दीजिए, तो और सारा काट कूट कर दीजिए, आपका उत्तर चला आएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 1,94,481 आएगा, काट के करिएगा आपको अपने समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यदि एक टंक यानी टाइपिस्ट की बात हो रही है, को एक पन्ना टाइप करने में कितना, तो 4 मिनट लगेगा, एक पन्ना टाइप करेगा 4 मिनट, तो 1 PM से 2 PM यानी 1 घंटा, तो 1 घंटा बराबर क्या 60 मिनट, तो 60 मिनट में क्या टाइप करेगा, और एक पन्ना 4 मिनट में, तो 60 मिनट में 15 पन्ना, अब उसको 280 पृष्ठ टाइप करने हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो अगर और 1 घंटे में ही टाइप करना है, तो लिख सिंपल, तो कोई माथा नहीं लगाइए दिमाग, 280 बटे 1 घंटे में कितना किया था टाइप, हो 15, तो 15 7 105 और 3 2 3 0 30, तो 15 2 30 यानी 72 टाइपिस्टों की उसको ज़रूरत होगी। 35 नंबर, वह सबसे छोटी संख्या कौन होगी जिसे यदि 35, 45 और 55 से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल इतना आ जाए, यानी कि कॉमन संख्या होना चाहिए, क्लियर, तो सब 35 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा 17, इसी तरह से 45 में से 28 घटा लीजिए 17, 55 में से 38 तो 17, यानी 17 क्या हो गया, कॉमन संख्या हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, 35, 45 और 55 का LCF निकाल दीजिए, यानी लॉस हो, तो LCM निकालेंगे तो क्या होगा, 5 से 7 और 45 से 9 एंड 11, अब तो इन्हें कटेगा, तो 11 9 99 गुना 7 बजे 35, तो 11 × 99 × 35 बराबर क्या होगा, आपका हो जाएगा 3465, और इसमें से 17 घटा दीजिए, क्योंकि 17 ही ना शेष आ जा रहा है सब में, तो क्या आंसर होगा, तो आपको 3448 आंसर होगा, बनाइएगा और आराम से आपको आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि कुल नारंगी कितना है, 280 50 लड़के हैं एवं लड़कियों को दिए जाएंगे, सॉरी 280 नारंगी 50 लड़के एंड लड़कियों दोनों को दिया जाएगा, मतलब और इनमें से प्रत्येक लड़का को क्या, बॉय को मिलेगा मात्र 5
गर्ल को मिला 7। अब बताइए कि लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो जो पूछे तो गर्ल बराबर क्या करेंगे हम लोग, एक्स न मालूम है हम लोग को, तो बॉय क्या होगा, बॉय हो जाएगा 50 माइनस x लिख देंगे, सिंपल सी बात है। तो अब कैसे होगा, सिंपल देखिए, एक्स प्लस 50 माइनस x बराबर 280। इतना ही ना कुल लड़के हैं, लेकिन अब इसमें गुना कीजिए, एक से लड़कियाँ हैं तो इनको 7 मिलेगा, ये लड़के हैं तो इनको 5 मिलेगा, 5 गुना कर दीजिए तो होगा 7x माइनस 5x प्लस 50, 50 प्लस है तो प्लस, 50 पच्चे 250, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2x बराबर 30, यानी x बराबर लड़की कितना हो गया तो 15, और लड़के कितना हो जाएंगे तो जो शेष बचा यानी 50 टोटल थे, तो लड़का कितना हो गया 35। तो अगर 15 लड़कियों को कितना मिला, एक लड़की को 7, तो 15 लड़कियों बराबर उसको 105 मिल गया, तो लड़के को कितना मिलेगा देख लीजिए, 15 पच्चे 50, 25 के 5, अपने 15 2 17, यानी 175 लड़कों को मिलेगा और 105 लड़कियों को, यानी कुल 280 सही हो गया। एक नगर की जनसंख्या कितनी थी, 15,000, यदि उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है 8% और स्त्रियों की संख्या कितनी है 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर कितना होगा तो 16,300। अब बताइए कि इसमें नगरों में, नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यह भी उसी का उसी तरह का क्वेश्चन है, किसका तो जो उससे पहले हम लोग देखे थे। देखिए इसको सिंपल, जो जो कहे वही लिखिए, यानी कुल कितना लिखना है हमको 16,300, यही ना हमको पुराना है। हाँ हो गया, चलिए तो देखते हैं, अगर मतलब कि क्या है स्त्री, मान लीजिए स्त्री की संख्या हम लोग x मान लेते हैं, क्लियर है, स्त्री की संख्या हम लोग x मान लिए, तो इसको ऐसे लिखेंगे, x लड़की स्त्री कितनी बढ़ी 10% से, ठीक है, तो x गुना 110/100 गुना इसी तरह लड़का के लिख लीजिए, 15,000 माइनस x और इंटू 108/100 लिखेंगे हम लोग, और इसको काटिए, तो काटने पर आपको क्या आएगा, आपको आ जाएगा, हाँ तो एक लिखने में नहीं बन रहा है इसलिए आप समझ सकते हैं, जब आप पूरा काट दीजिएगा तो आपको सिंपल आ जाएगा, इतना ही देख लीजिए, ये 15,000 गुना 108/100 और 2x से उधर, तो आ जाएगा उधर आपको प्लस 2x और बराबर 16,300, 2x/100 और बराबर 16,300 हो जाएगा, क्लियर है, और तब इसको आप हम लोग क्लियर कर देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल, तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 5,000, आराम से बैठ कर बनाइएगा ये बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ष में 5,000 रुपया बढ़कर कितना हो गया तो 57,000 हो गया, तो पता ही 5 वर्ष में उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 बढ़कर कितने हो जाएंगे, वही बात है 5,000, ये पहले भी रिपीट हो चुका है, 5,000 बढ़कर 700 बढ़ा, यानी 5,000 का 700 कितना होगा तो 14%, तो 5 वर्ष तो गुना 5 यानी 70%, तो 7,000 का 70% कितना, 749 यानी 11,900 की बात कर रहे हैं। आगे बढ़िए, दो अर्ध गोलाकार बर्तनों की धारिता इतना और इतना बराबर है, तदनुसार तो उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात, तो मैटर इसमें त्रिज्या ही नहीं, क्षेत्रफल सॉरी आयतन ही डिफरेंस है, तो त्रिज्या के पूछ रहा है, दोनों तो बराबर ही, यानी कि त्रिज्या ही डिफरेंस होगा, तो मान लीजिए पहले छोटा है तो छोटी यार, बड़ा है तो बड़ा ही यार, ऊपर क्यू कर दीजिए, तो क्यू यानी, और तो 6.4 है, 21.4, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि 64/216 क्यू, तो रूट में चला जाएगा, रूट मतलब क्यू होगा, तो 4 × 4 × 4 यानी 4 × 4 × 4 यानी 4 × 16 = 64/6 × 6 × 6 = 36 216, यानी 4:6 आएगा, लेकिन इसको भी काटेंगे, अनुपात में जो लिखना है तो सबसे शॉर्टेस्ट रूप लिखाता है 2:3 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, ए हाँ 40, एक नल ए एक टंकी को कितना में, तो 8 घंटे में भर देगा, बी नल 6 घंटे में भरेगा, सिंपल है, ए यहाँ पर ए लिख लीजिए, एक बी लिख लीजिए, इसके सामने 8, इसके 6, और एक कॉमन नंबर ले लीजिए जिससे दोनों कट जाए, तो मान लीजिए 24, यानी यह 1 यूनिट भरेगा तो यह 4 यूनिट भरेगा, 2 घंटा दोनों बराबर साथ चलना है, तो 1 घंटा में दोनों क्या 7 यूनिट भरेगा, तो 2 घंटा में 14,
माइनस 14 यानी 10 यूनिट शेष बचा है। 10 यूनिट किसको अकेले भरना है, बी को, तो एक घंटे में 4 यूनिट, तो 10 यूनिट कितना, 2.5 घंटे में भरेगा, तो इसका उत्तर 2.5 है। आगे बढ़ते हैं, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करते हैं, इस तरह का कोई क्वेश्चन हम चलाए ना, 6 घंटी 6 लोग एक साथ काम करते हैं, चाहे बहुत सारे मंदिर में घंटी गोली चलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तीन पर काम कीजिए, इसका लहसुन निकाल दीजिए बिना दिमाग लगाए, तो आप इसको लहसुन निकालो तो क्या होगा, तो इसी तरह करते चले जाएंगे, जैसे 2 कट गया, 2 बचा, 3 बचा, 4, 5, 6, फिर 2 से तो कट गया, अब 3 होगा, 3 दोनों कटेगा, 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा, फिर 3 से इसी तरह टोटल आएगा, क्या आएगा आपका लॉस, 120 सेकेंड लॉस आएगा, कितना 120 सेकेंड, यानी 120 सेकेंड में लोग एक साथ बचता है, यानी 2 मिनट बराबर एक बार, तो कुल 30 मिनट, तो 30 बटा 2 यानी 15, और आरंभ तो एक साथ बजना ही शुरू किया था, 15 प्लस 1 यानी 16 आंसर होगा। आगे बढ़िए, एक व्यापारी अपनी चीज़ों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ा दिया, निर्धारित करता है, उसी बिक्री मूल्य पर वह 10% छूट भी दे दिया, अब बताइए लाभ होगा क्या, मान लीजिए 100 उसका प्राइस था, इस पर 10% बढ़ा दिया प्लस 10%, तो क्या होगा 110, अब ये 110 जो हुआ इस पर 10% छूट देगा, 110 का 10% कितना हो 11, 111 110 माइनस 11 यानी 99 रुपया, 100 रुपया में किना 99 रुपया में बेच दिया, क्या होगा इसको हानि होगा कितना, तो 1% का 43। एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, माँ इस समय अपने पुत्री की उम्र से 3 गुना है, अब पुत्री ना इसमें सबसे छोटी है, चलिए तो पुत्री को ही सबसे पहले हम निकालेंगे, पुत्री बराबर क्या यानी डॉटर, डॉटर बराबर मान लेंगे एक्स, तो उसकी माँ क्या है मदर, मदर 3 गुनी है तो 3x, फादर बराबर एफ है, ये उसकी माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, यानी 3x प्लस 7, अब क्या पूछ रहा है कि उस समय पुत्री, इस समय पुत्री क्या है तो 10 वर्ष के है, तो पिता क्या होगा, माँ 30 वर्ष तो पिता 37 वर्ष, अब पूछ रहा है कि पुत्री के जन्म के समय, तो पिता भी 37 वर्ष है, जन्म यानी पुत्री 10 वर्ष है तो माइनस 10 कर दीजिए, यानी 27 वर्ष पिता का उम्र था जब पुत्री की जन्म हुई थी। आगे बढ़िए, एक व्यापारी अंकित मूल्य यानी MRP कही इसको, पर 10% का छूट दे देता है, क्लियर है, मान लीजिए कि उसका अंकित मूल्य 100 है, तो 10% छूट देने पर क्या हो गया, 10 रुपया छूट देगा तो 90 बचा, अब उसको 17 रुपया लाभ कमाना है, यानी जो बेचा 117% बराबर 90 हो गया, यानी 90 रुपये में बेच लिया, वो 117% था, 1% बराबर 90/117 गुना, और 100% निकालना हो तो गुना 100 से उसको भाग, यहाँ पर गुना 100 लिखिए और इसको काट कूट कीजिए, तो आपको क्या आएगा, लगभग आ जाएगा आपको 76 रुपया समथिंग होगा आंसर आएगा, लेकिन ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट की बात है, तो परसेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, अब परसेंट यानी 100 का देखिए ऐसी होगा 117/90 × 100, हमको यही नहीं निकालना है कि 100% बराबर क्या, तो अगर 90 रुपया 117% है तो 100% हो जाएगा आपका 130, यानी कि 30% इसको लाभ हुआ। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर, ए एक काम को 4 दिन में, तो लिख लीजिए ए एक काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, तो 1/4 + 1/6 इसी तरह हम लोग निकाल लीजिए, तो 6 बार लिखा 12 होगा, तो इस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लगभग 2.5 दिन की बात होगी, तो आंसर 2.5 दिन, इसी तरह आंसर निकाल लीजिएगा आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में, तो मिश्रण वाला सबसे पहले 55 ऊपर लिखेंगे, चलिए मिश्रण में मिल्क एंड वाटर, मिल्क क्या है तो 7 है, 4 यानी 7 11, तो 11 बराबर यानी कि 1/5, तो मिल्क क्या होगा 35 और वाटर है 20, अब दूसरा अंक पूछता है कि अब यही अनुपात 7 और 6 कर देना है, यानी पहले भी मिल्क 35 था, अभी भी मिल्क 35 है, तो 7 अनुपात पहले भी है इसमें और अभी भी है, तो यानी 1/5, तो 6 × 5 यानी 30 लीटर वाटर
होगा तो क्या होगा, 10 लीटर वाटर को और फेंट दे तो यह अनुपात हो जाएगा यानी 30 लीटर होगा। आगे, एक व्यापारी ने एक कलम 20% की हानि पर बेच दिया और यदि वह 12 रुपया अधिक पर बेचे तब क्या होगा, तब उसको 10% का लाभ होगा। यानी क्या समझे हम लोग कि लाभ है 12 रुपया बराबर 20 जोड़ 10% यानी 30%, तो 1% बराबर 12 बाई 30, अगर 100% हो इसको 100 से गुना कर दीजिए तब क्या होगा, तो 0.4 यानी 40% इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी, 9 थी। अब आज की बात है तो आज अगर कितना रहता तो 9 जोड़ 5 यानी आज हो जाता 14 वर्ष, कितना दो 4 लड़कों की, 4 यानी कुल 56। एक नया लड़का आता है और 15 वर्ष उसकी आयु हो, मतलब कि अब एवरेज हो गया, तो 15 गुना 5 यानी 75 वर्ष, मतलब डिफरेंस कितना है तो 19 वर्ष। जो डिफरेंस है वही ना वो नए लड़के का एज होगा। आगे देखिए, सोम मंगल और बुध का औसत तापमान 30 डिग्री, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ए बी प्लस सी का औसत 30 डिग्री यानी कुल 90 डिग्री होगा। उसी तरह मंगल बुध और बृहस्पति यानी बी सी और डी, इसका एवरेज कितना होगा तो 32 डिग्री यानी 32 96 डिग्री। अगर हम लोग इसमें 6 डिग्री का नहीं डिफरेंस हो रहा है तो अब पूछ रहा है तो गुरुवार का तापमान कितना था, तो इन जो गुरुवार की तापमान के बारे में पूछ रहा है इसका मतलब कैसे होगा, इसको लोग ऐसे निकालेंगे। हाँ, इसे देखिए, सोमवार का तापमान स्पेशल दिया है 32 डिग्री, तो सोम मंगल बुध तीनों का तापमान 90 माइनस सोम का तापमान घटा दीजिए कितना, -32, तो क्या होगा 58 डिग्री। लेकिन ये तीनों दिनों का तापमान किया है, मंगल बुध और गुरुवार का तापमान 99 डिग्री, तो 99 माइनस 58 अगर हम लोग घटा देंगे तो क्या होगा, जो हम लोग का गुरुवार का तापमान मिल जाएगा, तो गुरुवार का तापमान कितना है तो 9 में से 8 घटेगा तो 1 और 9 में से 5 घटा 4 यानी 41 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन ही गलत है, एक क्या उत्तर होगा तो इसका 41 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, एक मोटर कार मुंबई से पुणे कि उसकी रफ्तार क्या है तो 20 किलोमीटर/घंटे से गई यानी, और दूरी क्या तो दूरी ना मालूम है। दूसरा, वहाँ से वह 30 किलोमीटर/घंटा की चाल से वो वापस आ जाती है, तो क्लियर है, मतलब जितना दूरी पर होता है कि गया उतना ही तो वापस आया यानी दूरी बराबर, दोनों में ए बराबर है एक्स है, तो अब इसको ऐसे निकालेंगे हम लोग, एक्स बाई 20 प्लस एक्स बाई 30 यानी एवरेज निकलेगा, यानी क्या होगा 2x बराबर 60, 2x किससे होगा ये, सॉरी इसको लॉसो निकालेंगे तो क्या होगा, तो नीचे 60 रहेगा तो 3x जोड़ 2x यानी 5x/60, इसको काट दीजिए तो होगा x/12, क्लियर है। लेकिन अब मैटर यहाँ पूछता है कि कुल दूरी क्या है, तो कुल दूरी तो x एन x 2x गया है, वो जितना उतना ही तो वो आया, तो इसको कुल दूरी बराबर क्या, तो ये तो आपका समय लग गया चाल है, तो दूरी बटा सम चाल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसको फिर से लिखते हैं छोटा करते हैं थोड़ा, तो 2x/x/12, तो 12 को यहाँ ऊपर लिख दीजिए, एक्स एक्स काट दीजिए यानी क्या होगा आपको, तो औसत चाल बराबर 12 दूना 24 यानी 24 किलोमीटर/घंटा, तो क्लियर है। आशा करते हैं कि अच्छा लगे और अपने से बना बना कर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपके पास वहाँ पर उतना समय नहीं रहेगा कि इतना बनाकर उतना समय लगे, इसी तरह बनाने में कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही काम करेगा। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं और आशा करते हैं कि ये अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।